सब्सक्राइब करें आईटी क्राफ्ट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अभी आपने थंबनेल लगाना है, इसके पीछे जो है ना वो कवर आर्ट लगाना है आपने, जैसे मेरे चैनल पे आईटी क्राफ्ट पे लगा हुआ है पीछे यहाँ पे कवर आर्ट। तो कवर आर्ट के लिए जनाब आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, फोटोशॉप ओपन करना है। फोटोशॉप का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपने ये लोगो डालना है उठा के, अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। यहाँ पे आपने लिख लेना यूट्यूब कवर आर्ट साइज, ये देखो, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको समझना है आपने। इसके हम $30-30 लेते हैं, 10-20-30 डॉलर सिर्फ कवर आर्ट को सेट करने के, क्योंकि जब आप ऐसी कोई भी बड़ी पिक्चर उठा के डालेंगे तो उसके रेजोल्यूशन का इशू आ जाता है और वो पूरा पार्ट नजर नहीं आता। तो इसके हम $30 लेते हैं। कैसे बना, आप भी फाइवर पे ये सर्विस दे सकते हैं यूट्यूब कवर आर्ट सेटअप की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इमेज है ना, इसको मैं कर लेता हूँ बड़ा और मैं कर लेता हूँ सेव अपने पास एग्जाम्पल, जैसे इसको भी उठा के मैं इसमें डाल देता हूँ। ये जो साइज है ना ब्लू कलर का, इतना पार्ट आपका विजिबल होगा यूट्यूब चैनल पे, ये बाकी सब नहीं होगा। टीवी होगी तो टीवी पे कोई देख रहा है, यूट्यूब जैसे स्मार्ट टीवी होते हैं तो उस पर यह पूरा पार्ट नजर आएगा, ये वाला पूरा। लेकिन मोबाइल पे, मोबाइल पे सिर्फ ये ब्लू वाला नजर आना है, ठीक है। टैबलेट पे, मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, ये डेस्कटॉप मैक्सिमम हो सकता है, किसी की वाइड स्क्रीन ज्यादा हो तो वो, यहाँ पे डेस्कटॉप, ये भी। अच्छा मैं कैसे सेटअप करता हूँ, मैं करता हूँ जनाब इसको 25-60 और 14-40, न्यू पे जाना है, 25-60 और नीचे 14-40, ओके ये हो गया, समझ में आई। अभी इसको करो Ctrl A Ctrl C, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट हुआ, कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, कंट्रोल वी कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया ना। अभी कंट्रोल टी करता हूँ और इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कर लेता हूँ फुल स्क्रीन में, ठीक है। ये मैं इसलिए लगा रहा हूँ, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। अभी हमारे पास ये लोगो है, बैकग्राउंड इसका मैं, अच्छा कंट्रोल ए करके सी करके कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ठीक है। इसका मैं बैकग्राउंड कलर रिमूव कर देता हूँ, ये यहाँ पे हो गया, ये मेरा लोगो आ गया, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से एक पिक्चर डाल देता हूँ अपनी, पिक्चर उठाता हूँ और यहाँ पे मैं पिक्चर डाल देता हूँ। इसको मैं करता हूँ कंट्रोल ए कंट्रोल सी कॉपी कर लिया, इस पे कंट्रोल वी किया, पेस्ट हो गया, बैकग्राउंड रिमूव किया और ये पिक्चर दूसरी लिया, चलो ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ एक कोई भी, माई टेक्निकल ट्रेनिंग, इसको मैं जनाब बड़ा कर लेता हूँ, इसी में ही मैं नीचे फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ 03-13-61-61-74, मैं एज एन एग्जाम्पल आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको यहाँ पे आके सेट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरा पोर्शन जो है ना वो रेडी हो चुका है। अब मैं पुरानी ये जो ब्लू कलर की पिक्चर है इसको मैं यहाँ से आई क्लोज कर देता हूँ, तो ये इस तरह हमारा ये बन गया, ठीक है, ये वाला पार्ट विजिबल होगा। अब इस पिक्चर को हम कर लेते हैं सेव, मैं लिखता हूँ उसका नाम कवर आर्ट और मैं यहाँ से PNG को, PNG फॉर्मेट में ज़रा अच्छा रहता है, ठीक है, सेव कर लिया। अब आपने YouTube में आ जाना है और यहाँ पे बैनर इमेज को अपलोड कर देना है कवर आर्ट, इसको मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट, ये देखो ऑटोमेटिकली उसने वो वाली साइड वो वाली जगह कैप्चर कर लिया, ठीक है। यहाँ से आप कर सकते हैं, आप उसका साइज भी ले सकते हैं अगर आपने एग्जैक्ट आपकी इमेज को थोड़ा सा चेंज करना है, ठीक है, लेकिन हमने तो एग्जैक्ट बनाया हुआ था, हमें चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमने कर देना है यहाँ पे डन कर देना है, डन हो गया, पब्लिश कर देना है, व्यू चैनल पे क्लिक करना है। पब्लिश करने के बाद
अभी इसको रिफ्रेश करना है आपने, और ये रहा आपका कवर आर्ट।